नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सही गाड़ी चैनल पर। मैं हूं श्रृंगार और आज मैं बैठा हुआ हूं मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो में। सो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं इसका स्मार्ट प्ले स्टूडियो दिखाने वाला हूं। आप सभी ने चलाया तो होगा यार बड़ी गाड़ियों में, लेकिन ये जो है एस्प्रेसो है, मतलब इनका एंट्री लेवल सेगमेंट है ये। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, मतलब सबसे छोटी गाड़ी में भी इन्होंने क्या क्या चीज़ें दे रखी हो बताता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैं इससे प्रभावित हूँ, इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, जो इनका स्मार्ट प्ले स्टूडियो है, दिखने में कुछ इस तरीके से है। बड़े बड़े टैब्स बने हुए, पुराने विंडोज़ की याद दिलाते हैं फ़ोन वाले। यहाँ पर जाएंगे तो ये FM वाला सिस्टम है, इस पर टैप करते ही आप FM में पहुँच जाते हैं। यहाँ से आप ऑटो स्टोर कर सकते हैं चैनल्स को। FM यहाँ पर टैप करेंगे तो FM 2 लग जाता है, यहाँ पर टैप करेंगे तो FM 3 लग जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल हैं तो फिर वो 3 की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आप FM 1 से ही काम चला लेंगे। आपके जितने भी चैनल्स यहाँ पर हैं वो सारे के सारे आपको नीचे दिखाई देते हैं। स्कैन करना है तो यहां से आप कर सकते हैं, और अगर ये लिस्ट देखनी है तो यहां पर आप स्टेशन की लिस्ट देख सकते हैं, जो कि अभी रिफ्रेश नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जब आप चलाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। बैक आते हैं, सेकेंडरी चीज है मीडिया। जब आपका कोई फोन कनेक्टेड होता है ना भाई साहब, तब ये मीडिया पे टैप करने पर यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई देती है। FM AM DRM तो है ही, अगर USB कनेक्टेड है तो USB में दिखाई देगा, ये ऑप्शन चालू हो जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टेड है तो ब्लूटूथ दिखाई देगा, मतलब ब्लूटूथ से आपका मोबाइल कनेक्टेड है तो यहाँ पर दिखाई दे देगा। और ऑक्स से कनेक्टेड है तो यहाँ पर इसको टैप करके अंदर मीडिया जितना भी है सोर्स के अंदर वो आप चेक कर सकते हैं। बैक आएंगे, इसके बाद आता है फोन। फोन पे जाएंगे तो अभी ये बता रहा है कि कनेक्ट करो, अभी कनेक्टेड नहीं है इस वजह से कुछ नहीं दिखा रहा। जब कनेक्ट होता है तो फोन में यहाँ पर आपको डायल पैड भी मिल जाता है और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी दिखाई देती है, या फिर डायल्ड कॉल्स, मिस्ड कॉल्स, ये सारी चीजें आप देख पाते हैं। कॉल लॉक, कनेक्ट का मतलब है आपके फोन के अंदर एक स्मार्ट प्ले स्टूडियो होना चाहिए जिसके थ्रू आप इस सिस्टम से कनेक्ट हो पाएंगे, फिर अपने फ़ोन से भी और इससे भी अपने फ़ोन का आनंद ले पाएंगे। मतलब एंड्रॉयड ऑटो तक तो नहीं, लेकिन स्मार्ट प्ले काफ़ी एडवांस चीज़ है, उसके लिए कभी डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा। यहाँ पर टैप करेंगे तो देखिए घड़ी दिख जाती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। बैक आते हैं, इसके अलावा यहाँ पर 4-5 बटने दी गई है मीडिया पर डायरेक्टली जाने के लिए, ये वाला बटन। बैक आते हैं, सेटिंग्स पर जाना है तो ये वाला बटन, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डिस्प्ले की सेटिंग आप कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करनी है इस तरीके से। मोड डे पे रखना है तो डे पे रखिए, डे पर ही है। बैक आते हैं, डेट एंड टाइम यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, करना है तो सिंक विद GPS, टाइम जोन वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। व्हीकल अलर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए व्हीकल के 4 टोटल अलर्ट्स हैं, डोर ओपन, पार्किंग ब्रेक, सीट बेल्ट एंड लो फ्यूल। इसके अलावा कोई भी अलर्ट नहीं देता, और ये शायद से को ड्राइवर सीट के लिए भी सीट बेल्ट अलर्ट देता है, तो ये आजकल तो मतलब स्टैंडर्ड चीज़ हो गई है। लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, ये भी चीज़ आपको मिल जाएगी। स्क्रॉल थ्रू, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल, सिक्योरिटी सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी सेटिंग्स के अंदर। ये जो है होम के लिए, कभी आप किसी भी सिस्टम के अंदर रहते हैं तो इसको दबा दीजिए, आप होम पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो कंट्रोल्स है, इसको ऑफ करने के लिए प्लस माइनस आपको करना होगा, साउंड कम ज़्यादा करना है तो, और म्यूट करने के लिए ये वाला बटन, तो इसे हम अनम्यूट कर देते हैं। म्यूट करते ही यहाँ पर आपको साइन दिख जाता है और अनम्यूट करेंगे तो इस तरीके से। और ऊपर से भी शटर आता है एंड्रॉयड सिस्टम की तरह, मतलब पुराने वाले सिम्बियन मोबाइल की तरह, जिसमें AHA, ये आपके फ़ोन का एक इसका इनका खुद का रेडियो के लिए फीचर है। जैसे आप फोन कनेक्ट कर लेते हैं ना स्मार्ट प्ले स्टूडियो के साथ, तो ये चालू हो जाता है और रेडियो वगैरह आप चला सकते हैं। पेयर डिवाइसेस यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जितने भी पेयर डिवाइसेस हैं। बैक आ जाते हैं, अभी 2 ही डिवाइसेस है और मैंने अपना फोन कनेक्ट नहीं कर रखा है। इसके बाद फोन डायल पैड, अभी आपको यहाँ पर डायल पैड इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी कनेक्टेड कोई फोन नहीं है, अगर कनेक्ट कर लेते तो यहाँ पर डायल पैड डायरेक्टली आ जाता। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट के बारे में भी देखेंगे तो फोन कॉन्टैक्ट यहाँ पर दिखाई देते हैं आपके फोन के। आपके फोन में वैसे भी एक नोटिफिकेशन जरूर आती है कि आपको फोन कॉन्टैक्ट शेयर करने की नहीं, अगर कर लेते हैं, आपका पर्सनल गाड़ी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट एंड टाइम की बात करेंगे, यहाँ से सेटिंग मैंने दिखाई दी थी आपको। और अंत में आता है ऐड का बटन, ये बहुत बढ़िया बटन है। जब आप ऐड पर जाते हैं तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा वाला इन सब में से बटन आपको वहां पर यूज करना है बाहर की तरफ, तो चलाते चलाते ये चीजें आ जाती है। ये टोटल बटन है दोस्तों। इसके अलावा ऊपर की तरफ देखते हैं, हमारा MID है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें आपको यहाँ पर सारी चीज़ें वार्निंग्स वगैरह दिख जाती हैं। ऊपर की तरफ स्पीड दिख जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है, वो बता रहा है अभी, क्योंकि मैं गाड़ी खड़ी करके वीडियो बना रहा हूँ, अगर चलाता तो जरूर पहनता। और एक अपना पार्किंग ब्रेक का बटन है, यहाँ पर बैटरी के लिए और ये ऑयल के लिए। और फिर ये छोटे से स्क्रीन में हमें दिखाई देता है कि भाई फ्यूल कितना भरा हुआ है, कितना किलोमीटर गाड़ी ने चल लिया है, 130 किलोमीटर चली हुई नई नई गाड़ी है यार। और इस बटन को प्रेस करते हैं, इस बटन को, ये यहाँ पर एक बटन दी हुई है रीसेटिंग के लिए, इसको प्रेस करते हैं हम एक बार, तो यहाँ पर दिखता है किलोमीटर पर लीटर क्या आपका एवरेज चल रहा है। यहाँ पर दिखता है एवरेज 13.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज अभी तक ये गाड़ी दे रही है, तो ये सिटी की वजह से है। रेंज कितनी बची हुई है गाड़ी की, जितना फ्यूल उस हिसाब से यहाँ पर दिखाई देगी, एक जितना कितना किलोमीटर चल चुका है, और यही चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेगी। फिर ऑटो पे है, बी पे है, ये आपको ऊपर की तरफ दिखाई देता है। और ये जो N लिखा हुआ है न्यूट्रल मोड का, अगर आप रिवर्स मोड लगाते हैं यहाँ पर ब्रेक दबा करके, तो रिवर्स मोड में R दिखाई देगा और ये जो हमारा स्क्रीन है ये चालू हो जाता है। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो स्क्रीन है टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं आता है, ऑप्शनल खरीदते हैं तो आप लगवा सकते हैं, नहीं लगवाना है तो फिर सेंसर से ही काम चलाना होता है। वापस मैं इसे न्यूट्रल मोड पर डाल देता हूँ। ये टोटल स्क्रीन है दोस्तों इस चीज़ के, इस गाड़ी के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम AC कंट्रोल्स और बाकी जो जितने भी कंट्रोल्स हैं इसके, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना है आज की वीडियो में दोस्तों। अगर आपको बातें सारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा। बहुत मेहनत करिए, आप देख ही रहे हो।